हेलो स्टूडेंट्स, आशा है कि आप सभी कोविड-19 की सिचुएशन में स्वस्थ होंगे। आपकी पढ़ाई का कोई नुकसान ना हो, इसीलिए मैं ये वीडियो लाई हूँ जिसमें हम क्लास फोर्थ की बुक मैरीगोल्ड के यूनिट थर्ड के चैप्टर नसरुद्दीन एम के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। नसरुद्दीन एम, नसरुद्दीन का लक्ष्य। वन डे नसरुद्दीन वॉज चैटिंग विद हिज फ्रेंड्स। एक बार नसरुद्दीन अपने दोस्तों से बातें कर रहा था। ही बिगिन टू बूस्ट, नो वन कैन मैच माई स्किल इन आर्चरी। तभी वह डींगे हाँकने लगता है और कहता है कि कोई भी तीरंदाजी में मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। आई स्ट्रिंग द बो, टेक एम एंड शूट द एरो। मैं धनुष लेता हूँ, निशाना साधता हूँ और तीर छोड़ता हूँ। हुज द एरो इज श्योर टू हिट राइट ऑन द टारगेट। और तीर तो निशाने पर लगना ही है। हियरिंग दिस, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स इमीडिएटली ब्रॉट अ बो एंड सम एरोज। उसकी ये बात सुनकर उसका एक दोस्त धनुष और कुछ तीर ले आता है। गिविंग देम टू नसरुद्दीन, ही सेड, हियर नसरुद्दीन, टेक दिस बो एंड एरोज। और उसे देते हुए कहता है, यह लो नसरुद्दीन, धनुष और तीर। देन पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ टारगेट, ही सेड, एम एट दैट टारगेट एंड शूट एन एरो। और उसे एक टारगेट दिखाते हुए कहता है, उस टारगेट पर अपना लक्ष्य साधो और तीर मारो। नसरुद्दीन हेल्ड द बो इन हिज हैंड्स, स्ट्रंग इट, एम्ड एट द टारगेट एंड शूट एन एरो। नसरुद्दीन धनुष अपने हाथ में लेता है, कमान खींचता है और लक्ष्य पर अपना निशाना साधता है और तीर छोड़ देता है। हू द एरो डिंट हिट द टारगेट, पर एरो तो टारगेट पर लगा ही नहीं। इंस्टेड ही फेल डाउन समवेयर इन द मिडिल, बल्कि एरो तो कहीं बीच में ही गिर गया। हा हा हा, हिज फ्रेंड स्टार्टेड लाफिंग, उसके सभी दोस्त हंसने लग जाते हैं। दे सेड, हे नसरुद्दीन, इज दिस योर बेस्ट एम। बोलो नसरुद्दीन, क्या यह था तुम्हारा बेस्ट एम? ओह नो, नॉट एट ऑल, सेड नसरुद्दीन। नसरुद्दीन कहता है, नहीं नहीं यह नहीं। डिफेंडिंग हिमसेल्फ, दिस वॉजेंट माई एम, अपने आप को बचाने के लिए वह कहता है, यह मेरा लक्ष्य नहीं था। इट वॉज आज़ाद एम, यह तो आज़ाद का लक्ष्य था। आई जस्ट शोड यू हाउ आज़ाद शूट एन एरो, मैं तो बस तुम्हें दिखा रहा था कि आज़ाद एक अपना निशाना कैसे लगाता है। Saying this, नसरुद्दीन picked up another arrow, और यह कहते हुए नसरुद्दीन दूसरा तीर उठा लेता है। Once again he strung the bow aimed at the target and shoot the arrow, और एक बार फिर से वह धनुष में कमान खींचता है, लक्ष्य साधता है और तीर छोड़ता है। This time the arrow fell a little further from it had fallen before, और इस बार जो तीर होता है वो थोड़ा सा आगे गिर जाता है जहाँ वह पहले गिरा था। बट इट सर्टेनली डेंट हिट द टारगेट, लेकिन वह टारगेट पर नहीं लगता है। दे आस्क नसरुद्दीन, एंड दिस मस्ट बी हाउ यू शूट एन एरो, इस बार उसके दोस्त कहते हैं, तो यह जरूर तुम्हारा लक्ष्य होगा। ऑफकोर्स नॉट, आर्ग्यूड नसरुद्दीन। नसरुद्दीन कहता है, बिल्कुल नहीं, इवन दिस एम वॉज नॉट माइन, बल्कि यह लक्ष्य भी मेरा नहीं था। इट वॉज द चीफ गार्ड एम, यह तो चीफ गार्ड का लक्ष्य था। नाउ समबडी रिमार्क्ड, वेल नाउ हूज नेक्स्ट ऑन द लिस्ट, तभी बीच में कोई बोलता है, कहता है, अच्छा तो फिर लिस्ट में अगला नंबर किसका है। हियरिंग दिस ऑल द फ्रेंड्स बर्स्ट आउट लाफिंग, और उसकी यह बात सुनकर सभी दोस्त हंसने लगते हैं। नसरुद्दीन डिडंट से अ वर्ड, नसरुद्दीन कुछ नहीं बोलता है। ही क्वाइटली पिक्ड अप वन मोर एरो, वह चुपचाप एक और तीर उठा लेता है। एंड अगेन, और दोबारा से निशाना लगाने की कोशिश करता है। एंड दिस टाइम नसरुद्दीन वॉज रियली लकी, और इस बार नसरुद्दीन सच में लकी होता है। द एरो हिट राइट ऑन द टारगेट, जो तीर होता है वह बिल्कुल सही निशाने पर लग जाता है। एवरीबडी स्टेयर्ड एट नसरुद्दीन, देयर माउथ्स अगेप इन अमेजमेंट, और सभी नसरुद्दीन को आश्चर्य से देखने लगते हैं और उनका मुंह खुला रह जाता है। बिफोर एनी वन कुड से एनी थिंग, इससे पहले कोई कुछ कहता, नसरुद्दीन सेड ट्रायम्फेंटली, डिड यू सी दैट, इट वॉज माई एम। नसरुद्दीन विजय की खुशी में बोलता है, क्या तुमने देखा, यह था मेरा लक्ष्य। चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर समझ लेते हैं। क्वेश्चन वन, वॉट डिड नसरुद्दीन बूस्ट अबाउट, नसरुद्दीन किस बारे में डींगे हाँक रहा था।
इसका आंसर होगा नसरुद्दीन बूस्टेड अबाउट हिज गुड स्किल्स इन आर्चरी। नसरुद्दीन अपने तीरंदाजी में अच्छी स्किल्स के बारे में डींगे हाँक रहा था। वाई डिड नसरुद्दीन टेक समवन एल्स नेम ईच टाइम ही मिस द टारगेट। जब वह टारगेट पर निशाना नहीं लगा पाता था तो वह किसी और का नाम क्यों ले लेता था हर बार? बिकॉज ही वॉन्टेड टू हाइड हिज फेलियर, क्योंकि वह अपने फेलियर को छुपाना चाहता था। वाई डिड नसरुद्दीन से इट वॉज माई एम द थर्ड टाइम, और तीसरी बार में जब उसका निशाना सही लग जाता है तो वह यह क्यों कहता है कि यह था मेरा निशाना? बताओ बच्चों। बिकॉज दैट टाइम द एरो हिट राइट ऑन द टारगेट, क्योंकि इस बार एरो एकदम सही निशाने पर लगा होता है। क्वेश्चन फोर, डू यू थिंक नसरुद्दीन वॉज गुड एट आर्चरी, क्या तुम समझते हो कि नसरुद्दीन तीरंदाजी में अच्छा था? बताओ नो, क्योंकि आपने देखा ना कि उसका निशाना बार बार ठीक से नहीं लगता था और लास्ट में वो तो लकीली उसका निशाना लग जाता है। ओके बच्चों, थैंक यू।